सिर में दर्द होता है कई दफा, कुछ तनाव होता है कुछ समय। हम काफी काम करने के बाद, लिखने पढ़ने का, कंप्यूटर का काम करने के बाद थक जाते हैं। इस तरह की एक पट्टी माथे पे लगाएं। माथे पे पट्टी लगाने से माथे की तरफ खून का दौरा बढ़ जाएगा, नर्वस सिस्टम टोनप हो जाएगा, मस्तिष्क के नर्वस सिस्टम की सेहत बढ़ेगी। बहनें क्या करती हैं, अगर सिर में दर्द हो चुन्नी बांधती हैं। जब सिर में दर्द होने के बाद हम यहाँ पर चुन्नी बांध लेते हैं, उससे इधर की तरफ खून का दौरा कम हो जाता है। खून का दौरा कम होने से ये एरिया सुन्न हो जाता है, ये वाला पोर्शन बेहोश हो जाता है। दर्द तो है मगर दर्द मालूम नहीं पड़ता। खून का दौरा कम होने से ये नसें और कमजोर हो जाती हैं। फिर जो दर्द पहले केवल सिर दर्द था, 2-4 साल में माइग्रेन बन जाता है। क्यों? क्योंकि हमने दर्द को समझा नहीं। दर्द हमारे भलाई के लिए आता है, दर्द नुकसान के लिए नहीं आता। दर्द क्या कहता है, सिर का दर्द, कि पेट में गैस बनती है, वही गैस सिर को चढ़ जाती है और उस गैस की वजह से सिर में दर्द होता है। हम एक पट्टी पेट पे लगाएंगे, अगर सिर में दर्द है तो कहीं भी तकलीफ हो पेट को पट्टी तो लगानी ही पड़ेगी। एक पट्टी पेट पे लगा लेंगे, पेट वाली पट्टी, और एक पट्टी मस्तिष्क पे लगाएंगे। सिर दर्द की अवस्था में गैस जो सिर में चढ़ती थी वो नीचे की तरफ से निकल जाएगी पट्टी लगाने से, और मस्तिष्क पे पट्टी लगाने से इधर की तरफ खून का दौरा बढ़ जाएगा, ये नर्वस सिस्टम टोनअप हो जाएगा, आगे से दर्द धीरे धीरे पट्टी लगाने से दर्द होना ही बंद हो जाएगा। चुन्नी बांधने से दिन प्रतिदिन दर्द बढ़ेगा, पट्टी लगाने से हम पट्टी बांध नहीं रहे, लपेट रहे हैं, और ताजे पानी में भिगो के। पट्टी लगाने से खून का दौरा बढ़ने से दर्द ठीक होगा।